नमस्कार फ्रेंड्स, स्टडी जॉब लाइन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने एग्जाम करवाने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है और इसको लेकर हमने कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाकर वीडियो बनाया था। अगर आपको नोटिस देखना है तो आप हमारा कल वाला वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, वो वीडियो देखने के बाद में आप सभी को ये जानकारी तो मिली गई होगी कि दिल्ली पुलिस की एग्जाम इस बार SSC नहीं करवाएगी। दिल्ली पुलिस की भर्ती का इस बार SSC से कोई संबंध नहीं होने वाला है। और दोस्तों, दिल्ली पुलिस की एग्जाम है वो कोई प्राइवेट कंपनी ही करवाएगी और पूरी संभावना है 99% आपकी एग्जाम TCS कंपनी करवाएगी, जो कि रेलवे के एग्जाम्स करवाती है तमाम और SSC के एग्जाम्स करवाती है। तो दोस्तों, कल वाले वीडियो के बाद में बहुत ज्यादा कमेंट्स आए कि सर, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा दिल्ली पुलिस में? क्या एग्जाम पैटर्न में कुछ बदलाव होगा? क्वेश्चन हार्ड या इजी आएंगे? क्योंकि TCS के पेपर हैं वो रेलवे ग्रुप डी और ये जो पेपर आ रहे हैं इनसे मिलते जुलते होंगे शायद। और काफी सारे कमेंट आए कि लगभग एग्जाम कब तक हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए तीनों सवालों का जवाब देता हूं, पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के आगे पल-पल की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाले बटन को भी ऑन करना बिल्कुल न भूलें, ताकि दिल्ली पुलिस की भर्ती के आगे भी जो भी खबर हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब दोस्तों, फ्रेंड्स, पहला सवाल कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका नॉर्मलाइजेशन है वो विभाग के ऊपर डिपेंड करता है, जिस प्रकार से रेलवे ने नॉर्मलाइजेशन लगा रखा है। अब रेलवे की चाहे कोई भी भर्ती हो, कोई भी रिक्रूटमेंट हो, उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि उन्होंने नियम बना दिया है। SSC ने भी नॉर्मलाइजेशन लागू कर दिया है, तो चाहे SSC कोई भी एग्जाम हो, नॉर्मलाइजेशन होगा। अगर दोस्तों दिल्ली पुलिस की एग्जाम SSC करवाती तो दिल्ली पुलिस में भी नॉर्मलाइजेशन होता। तो फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली पुलिस की एग्जाम SSC नहीं करवा रही, यानी कि दिल्ली पुलिस में नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू किया गया है। जी हां फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, जो आपकी एग्जाम करवाने वाली कंपनी है TCS वो सीधे आपकी एग्जाम करवाएगी और दोस्तों नॉर्मलाइजेशन आपका नहीं होगा, विभाग ही आपका रिजल्ट जारी करेगा। अगर दोस्तों ऐसे एग्जाम करवाती तो शायद ये बहुत ही बुरी खबर आपके लिए होती, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन अब एक बुरी प्रक्रिया माना जाने लगी है, क्योंकि इसमें किसी के तो नंबर 10 बढ़ जाते हैं, किसी के 10 घट जाते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। अब फ्रेंड्स, दूसरा सवाल कि एग्जाम पैटर्न में क्या थोड़ा मोटा बदलाव होगा या फिर दिल्ली पुलिस का पेपर वैसा ही होगा जो पिछली भर्ती में था। तो दोस्तों देखिए, दिल्ली पुलिस का जो पेपर है उसका फॉर्मेट वैसा ही रहने वाला है, और जैसा कि आपको बताओ कि नोटिफिकेशन में बताया गया था, आपके लगभग आधे 50% क्वेश्चन है वो मॉडरेट होंगे, 30% क्वेश्चन है वो इजी होंगे और 20% क्वेश्चन आपके हार्ड होंगे। तो ये फॉर्मूला लगेगा आपका पेपर है वो कैसा होगा, यानी कि करंट के कितने क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा संविधान के कितने, हिस्ट्री के, ये एग्जाम करवाने वाली कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये दिल्ली पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है। दिल्ली पुलिस उस कंपनी को बता देगी कि इस टॉपिक में से इतने क्वेश्चन देने हैं और ऐसा पेपर बनाना है, हार्ड या इजी, उस हिसाब से फिर TCS या जो भी कंपनी होगी वो आपका पेपर तैयार करती है। ऐसे नहीं है कि TCS के जो मन में आया वैसा ही पेपर बना दिया, यह बात भी आपको याद रखनी है। तो पेपर का लेवल वैसा ही आपका लगभग रहने वाला है। अब फ्रेंड्स, एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि दिल्ली पुलिस का एग्जाम कब तक हो सकता है। अगर नोटिफिकेशन इसी महीने के लास्ट या अक्टूबर में आ जाता है, सितंबर में आ जाता है, तो दोस्तों देखें, दिल्ली पुलिस की जो एग्जाम है वो 2019 में नहीं होगी, इस बात को तो भूल जाओ। भले ही आपकी पहले एग्जाम होगी, फिजिकल बाद में होगा, लेकिन दिल्ली पुलिस का एग्जाम है वो फ्रेंड्स लगभग फरवरी तक जाएगा। जी हां, फरवरी 2020 की बात कर रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स सितंबर में अगर आवेदन करवाए जाते हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 3-4 महीने तो कम से कम दिए ही जाएंगे। तो आपकी एग्जाम लगभग फरवरी 2020 तक जाएगी, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, आपको लगभग 4 महीने तो दिए ही जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, आगे भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की पल पल की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। अगर आपके उनमें कोई भी सवाल या डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। आगे भी दोस्तों दिल्ली पुलिस की भर्ती की संपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाला बटन को ऑन कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।